है, गरीब आदमी करके कि मैं खेत को नहीं आपने दिखा के लाया हूँ। अरनू कहे हैं आके या तो यहाँ तो अड़ेवा ब्लॉक तो सही है जी, खराबा है ही कोनी, खराबा और 100% था। लाल सुंडी में, सरुए में, टिंडे में कीड़ा हो गया है। 16 किला में 10,000 की कपास बेच के आया है यू। बड़ी कहानी है, जो पटवारी ने जो मुआवजा लिखा है वो 16 से 18% लिखा है। सुंडी को इतना पता है कि इसके एकड़ में 16 खानी है, 18 खानी है, 19% भी नहीं खानी। इतनी सियाणी जो सुंडी है वो पहली बार देखने को मिल रहा है भाई। गांव डोला में और यहां पर भाई जो अड़ेवा ब्लॉक का मुआवजा रुक रहा है उसको लेकर पंचायत हुई है पूरा अड़ेवा ब्लॉक की, तो के फैसला होया पंचायत में बातचीत करांगे। सुशील जी, आज जो पंचायत हुई अड़ेवा ब्लॉक की उसमें के फैसला रहा आज? देखो सरकार तो बड़ा साफ साफ संदेश आज की पंचायत है, अड़ेवा ब्लॉक के जो 21 गांव थे सारे आए थे, और जब साफ संदेश है कि या तो जो मुआवजा जो जानबूझ के प्रशासन के अधिकारी, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी थे, इसने मिली भगत करके उस पैसे की बंदर बांट की है कंपनियों के साथ मिलकर, या तो वो जल्दी से जल्दी मतलब दोबारा से अलॉट कर दे, नहीं तो बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। आज ये तय हुआ है कि लगभग जो धरना लगेगा फाइनल जो हुआ है अड़ेवा तहसील में लगेगा, और अड़ेवा तहसील में हम कोई बड़ा फैसला लेने से भी चुकेंगे, चाहे हमें उसको बंद करना हो। 21 तारीख का फाइनल है, हम कल से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो सरकार के पास 4 से 5 दिन का समय है, और ये धरना बिना जब तक इस धरने का उठने का सवाल ही पैदा नहीं है, जब तक उन किसानों का जो हकदार हैं, क्योंकि अगर मैं अड़ेवा ब्लॉक में जींद की जींद पूरे में बात करूँ तो जो नुकसान अड़ेवा ब्लॉक में हुआ है वो कहीं भी नहीं हुआ है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जो कीट है, जो मतलब जो सुंडी है वो छात्र में आती है, जब डाहौड़ा जाती है तो वहाँ से वापस हो जाती है, घोगड़ियाँ आती है तो बधाना आते आते वापस चली जाती है, उनके पास साथ में पटवारी है क्या सुंडी के साथ में कि वो ये बताता कि ये गांव जो हड़ेवा में है ये मतलब उचाना में है, ये बिल्कुल भी कहीं से चलने वाली कहानी नहीं है। जो पटवारी ने जो मुआवजा लिखा है वो 16 से 18% लिखा है। सुंडी को इतना पता है कि इसके एकड़ में 16 खानी है, 18 खानी है, 19% भी नहीं खानी। इतनी सियाणी जो सुंडी है वो पहली बार देखने को मिल रहा है, बल्कि मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ ये प्रयोग है, एक प्रयोग अड़ेवा पे करके देख रहे हैं अड़ेवा ब्लॉक पे कि मतलब किस तरह जो सरकार जेन्युइन मुआवजा भी रोक रही है। अगर यहाँ से अड़ेवा के जो ब्लॉक के लोग अगर नहीं बोलते, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो भविष्य में ये अड़ेवा के साथ तो आगे चौड़ा के साथ भी होगा, लेकिन ये गलत सरकार गलतफहमी में है। पूरा मुआवजा जो बाकी को मिला जींद में वही उचाना उड़ेवा वालों को देना पड़ेगा, इसके पास सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। देखो इससे पहले खटखट टोल पे भी तो पंचायत हुई थी, उसमें भी मामला ये उठा था, भाई बोल रहे थे 2 पटवारी सस्पेंड कर रहे हैं, गलती मैंने दिया SDM ने। देखिए प्रशासन जो लीपा पोतिया काम कर रहा है, प्रशासन से हमने उस दिन भी पूछा था कि आप जिस पटवारी पर आपने कार्रवाई की है उन पटवारियों का नंबर दे दीजिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बात कह रहा हूँ, पटवारी अकेला दोषी नहीं है, ये बात समझिए। पटवारी की सेटिंग सीधा ऊपर तक होती है और ऊपर के जो अधिकारी वो पटवारी को बचाना चाहते हैं, तो या तो पटवारियों पे धाराएं बताए किस धारा में कार्रवाई की है, उसकी जो मतलब पूंजी है, उसकी जो जमीन है उसकी कुर्की करे और किसानों को मुआवजा दे, या तो उसकी जमा पूंजी की सारी मुआवजा दे, या किसान सरकार अपने आप से मुआवजा दे। किसान का हक है मुआवजा लेने का, उसको नुकसान है इस बात का प्रशासन को पता है, और सरकार जो किसान पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं। जी फौजी साहब क्या कहना चाहोगे जो आज की पंचायत थी? आज की पंचायत के जो किसानों के लिए जो मुआवजे की डिमांड है, कुछ कर्मचारियों ने कुछ अधिकारियों के नाक के नीचे गलत काम किया है, और अब भी वो कोशिश कर रहे हैं गलत काम करने की, और मुआवजे की जब भनक लगी तब भी लोगों से पैसा आठ करके मतलब किसानों को गुमराह किया गया जी। और जब 60 करोड़ का जब ये हुआ कि उचाना खंड के अंदर पैसा डल गया, और फिर भी पटवारी लूट के शोट मचाए हुए हैं, लेकिन इनका हक दिलाने के लिए सब कर्मचारी अधिकारी ये नहीं देखते हुए ये किसानों का हक है। और लेकिन जब इसका जो गिरदौरी का जो रूप था, जो 2 अधिकारियों ने मतलब ये कर्मचारी जो पटवारी थे उन्होंने ये नाम मात्र की गिरदौरी न करके इन खंड के साथ विश्वासघात किया, वो उन अधिकारियों को लानत है, वो भी किसान के बेटे होंगे, लेकिन उनके पेट पे लात मार के मतलब इन किसानों ने क्या कसूर किया, जब पूरे हरियाणा को मुआवजा मिलेगा तो ये वंचित क्यों? ऐसा हमारा मानना है कि इनके साथ दुर्व्यवहार कैसा ये सरकार के कर्मचारियों ने नहीं, ये सरकार ने किया है जी। लेकिन उसके बाद जो एक सुदकैन और लौधर के साथ जो अन्याय हुआ, उसी गांव का 0% खराबा और उसकी डोड़ पर 80% जी। ये किसकी करामात? ये भी एक राजनीति बू है, कर्मचारियों के साथ साठ गांठ है।
कर्मचारी 15-15 लाख रुपए एक एक गांव से इकट्ठा करके पटवारी लेवल पे। मैं तो ये कहता हूँ कि पटवारी की इतनी हिम्मत नहीं, वो पैसा अकेला मतलब उसको मतलब ले जाए। मुझे ये लगता है कि इसमें सभी शामिल हैं, चाहे कोई भी हो। 15-15 लाख हर गांव से हर एक पटवारी ने पूरी लूट मचाई है और इस लूट में सरकार भी शामिल है ऊपर से नीचे लग। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहोगे, कोई राजनीति साजिश है इस तरह से ब्लॉक जी? हाँ हाँ हाँ, अलेवा ब्लॉक को छोड़ना, पूरा अलेवा ब्लॉक दुष्यंत चौटाला ने अब भागे ने मारे गले ने सोचा ये तो पाछा तैर है कड़ियां तय मामे तो छोड़ दिए और ओल आल हरियाणा में दे दिया मुआवजा। ये तो न्यू बतावे अग में मारा ये कसूर था। आपने देखा होगा ग्राउंड जीरो पे सारा थुए की कणक अभी खराब हो रही है, ठीक हो रही है। एक बेचारा गरीब रामफल 6 किले चकोते ले रहा, उसकी अब भी कणक खराब होगी, अब भी कणक खराब होगी। आड़ती से 4 लाख रुपये ले रहा पाड़ेगा कटते गरीब आदमी करके कि मैं खेत को नहीं आपने दिखा के लाया हूँ। अरनु कहे हैं आके या तो यहाँ तो अलेवा ब्लॉक तो सही है जी, खराबा है ही कौन ही खराबा, और 100% था। लाल सुंडी में सरुए में टिंडे में कीड़ा हो गया है, 16 किला में 10,000 की कपास बेच के आया है यू रामफड़ मेरे खेत में, तो 16 किला में तय 10,000 की कपास देख लो कितनी, 800 रुपये किले की कपास हो ये वह भी कोडी पोडी और सरू में चुक के बोदी नहीं तो दाना भी नहीं था। और पत्रकार महोदय मारा गला तो ऐसा व्यवहार हो रहा है जनो हमने उसके वोटे नहीं दिए, वोट दिए 52,000 तक जिताया कमेन आदो आद कर रहा सब गल है, तहसीलदार जितने भी नहीं क्यों माल महकमा उस पर है आदो आद कर रहा है, मारे तो शक है इस बात की। और वो अब प्रचार करता फिर रहा मैंने इतना मुआवजा दे दिया 550 करोड़ दे दिया, अरे हमारे तो 1 रुपया भी नहीं आया 550 करोड़ तो दे दिया। उचाणा कम 9,000 रुपये देवे है, 2,000 कट के 7,000 दे दो, सबको हाँ सबको दे दो बराबर कर दो। ये बात है पत्रकार महोदय उन्होंने धोखा करे हमारे साथ जी। चलो भाई फिलहाल गाँव डोला में थे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।